हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं वर्ड पैड में इंसर्ट ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप ऑप्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है। जैसे हमने पिछले क्लास में आपको समझाया था क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप और पैराग्राफ ग्रुप। आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है, इंसर्ट ग्रुप में जितने ऑप्शन उसका क्या यूज है और एडिटिंग ग्रुप में कितने ऑप्शन उसका क्या यूज है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विंडो प्लस आर दबाएंगे और टाइप करना होगा हमको वर्ड पैड और हमारा यहाँ पे वर्ड पैड ओपन हो गया। अब देखो, जैसे हम इंसर्ट टाइप पे इंसर्ट मेनू में आते हैं, इंसर्ट ग्रुप में आते हैं, तो पहला ऑप्शन दिखाया जा रहा है पिक्चर। मीन्स जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं और वहां पे हमको लग रहा है कि कोई पिक्चर इंसर्ट करा दे, तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं हम लोग पिक्चर ऑप्शन का। जैसे सपोज हमको कंप्यूटर का इमेज लगाना है और तब उसके बारे में लिखना है, तो उसके लिए सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, हमको पिक्चर इंसर्ट करना होगा। जैसा हम नोटपैड में अगर चाहते हैं पिक्चर इंसर्ट करना, तो आसानी तरीके से नहीं किया सकता है नहीं ऑप्शन, लेकिन इसमें हम लोग आसानी तरीके से कर सकते। कैसे, चलिए हम क्रोम से एक पिक्चर डाउनलोड करते हैं। कंप्यूटर इमेजेस, और सपोज मैं यही इंसर्ट कर ले रहा हूं यहां पर क्लिक, राइट क्लिक किया हमने सेव इमेज पे और हम डेस्कटॉप पे जाके सेव कर दे रहे हैं इसको। अब चलिए हम आते हैं अपने मेन मेनू पे और यहां पे क्लिक करते हैं। तो देखो, जैसे क्लिक किए तीन ऑप्शन दिखाया जा रहा है, पहला पिक्चर, चेंज पिक्चर, रिसाइज पिक्चर। तो जब भी हमको पिक्चर इंसर्ट करना हो तो या तो आप यहीं पे क्लिक कर दो तो भी आपका यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, या आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, आप पिक्चर पे क्लिक करो, तब आपका ये लोकेशन खुल जाएगा आपने पिक्चर कहाँ पे रखा है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक किए और क्लिक करने के बाद जहां पे भी रखे हो तो हम डाउनलोड पे आते हैं और हमारा यही पिक्चर है, मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद कर देते हो ओपन। चलिए डाउनलोड दूसरा सेव करने के बाद क्या, हाँ सर जी का है ना, ये हम लोग जो डाउनलोड किया कहाँ से हुआ है, डेस्कटॉप पे रखा है क्या। चलिए चेक कर लेते हैं, पिक्चर डेस्कटॉप यहाँ पे, और इसको ओपन कर देते हैं। जैसे हम क्या किए, पिक्चर पे क्लिक किए और यहाँ से ओपन किए, तो देखो हमारा पिक्चर बहुत ही बड़ा इंसर्ट हो गया। तो अगर हम सोच रहे हैं कि अपने पिक्चर को छोटा बड़ा कर लें, तो यहाँ पे आसानी तरीके से यहाँ से हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे जो एरो की है इसी के सहारे थोड़ा यहां से कर लेंगे। कर क्या रहा हूं, लेफ्ट बटन दबा के और ऐसे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आपके ऊपर कैसे करना है। अब लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है, इसमें एक ड्रॉबैक है कि आप चाहते हो इस पिक्चर को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं मूव कराएं, तो उतना आसानी तरीके से मूव नहीं कराया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल हमको यहां पर रखना है, जैसे खींचेंगे कुछ ऐसे आएगा धीरे धीरे धीरे, उतना बेटर तरीके से मूव नहीं किया सकता। इसीलिए जहां पे हमारा कर्सर रहता है वहां पे हम लोग इंसर्ट कराते हैं और इंसर्ट कराने के बाद अपने रिक्वायरमेंट के साथ इसके बारे में जो भी लिखना लिख सकते हैं। देखो मैंने पिक्चर को बड़ा भी कर दिया और ऐसे छोटा कर लिया, हो जाएगा। चलिए अगर मैं सोच रहा हूँ इस पिक्चर को मूव कराऊ राइट साइड में आ जाए या सेंटर में आ जाए, तो देखो यहाँ पे पैराग्राफ में ऑप्शन दिए गए, आप सेंटर में करना था सेंटर में कर सकते हैं, राइट में करना है तो राइट में कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में मूव करना है तो लेफ्ट साइड में कर सकते हैं। अब अपने हिसाब से थोड़ा नीचे खींचना है तो उतना बेटर तरीके से नहीं आएगा, लेकिन आता है लेकिन टाइम लगता है, ऐसे ऐसे मूव होता है, ठीक है, तो उतना अच्छे से नहीं किया सर। लेकिन अगर हम लोग एमएस वर्ड का इस्तेमाल करें तो पिक्चर को जहां पे मर्जी वहां पे मूव कराया जा सकता है। यह ड्रॉबैक है इसमें कि आसानी तरीके से हम पिक्चर को मूव नहीं करा पाते,
यही आप इंटर बटन दबाएंगे और धीरे 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 नीचे आएगा। समझ बात है आपको ना। अतः यहाँ पे इंटर क्लिक करके और लिखेंगे तो बस इंटर बटन दबा के हम कर्सर को ऐसे मूव करा के ऐसे कर सकते हैं। अब स्पेस ऐसे दबाएंगे यहाँ पे आने के बाद से क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा ओल्ड प्रोसेस है, आसानी तरीके से मूव नहीं कर सकते। चलो हम लाते इसको ऊपर तो क्या करेंगे बैक स्पेस और यहाँ पे ऊपर आ गए। अब उसमें ऐसा नहीं है तो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, बस आज पढ़ा रहा हूँ जो देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला ऑप्शन देखो चेंज पिक्चर। सपोज मान लो जो पिक्चर हम लगाए हैं और इस पिक्चर के जगह हम दूसरा कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं, मतलब इसी साइज का क्या हो जाए पिक्चर दूसरा इंसर्ट हो जाए, तो अगर मान लो नॉर्मल क्लिक करते हैं और नॉर्मल क्लिक करने बाद से हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो ऐसा नहीं कि एक ही पिक्चर इंसर्ट कराया जा सकता और लाया जा सकता। बस यहाँ पे ओपन कीजिए आ गया और यहाँ से इसको इंसर्ट करा दिए तो पाला या दूसरा और भी किया जा सकता है। इंटर बटन दबाते हैं और यहाँ पे करना हमको पिक्चर पे क्लिक करते हैं और ले लिया, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, क्लियर है ना। ऐसे हमने पिक्चर इंसर्ट करा दिया और यहाँ पे कुछ लिखना लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लिखना लिख सकते हैं और यहाँ पे कुछ लिखना लिख सकते हैं, ओके ना। तो आप लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिख भी सकते हो। मान लो सपोज इमेजेज वन है तो हम लिख सकते हैं इमेज वन, या हमारा क्या है इमेज टू ऐसे है, या इमेज का नाम लिखना है तो इमेज वन का नाम क्या है, टू का क्या है, थ्री का क्या है दे सकते हैं हम लोग। अब सपोज मान लो ये पिक्चर जो हमारा है हम इसी पे कोई दूसरा पिक्चर लगाना चाहते हैं, ये गलती से हमने इंसर्ट कर दिया लेकिन या इस समय हमको चेंज करना है तो हम आएंगे पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चेंज पिक्चर पे क्लिक करेंगे। तो सपोज मैं यहाँ पे पिक्चर या नहीं लगाना चाहता, या लगाना चाहता हूँ, या जो है इसको हटाना चाहता हूँ और यहीं पे करना चाहता हूँ तो बस यहाँ पे क्लिक, क्लियर है ना। मतलब वो पिक्चर क्या हो जाएगा, हाँ हट जाएगा, दूसरा पिक्चर आ जाएगा, चेंज पिक्चर लगा दिया। तो प्लस पॉइंट फायदा क्या है इससे कि साइज भी वही है और पिक्चर ऑटोमेटिक वहीं पे एडजस्टमेंट हो जा रहा है, लेकिन अगर बाहर क्लिक करें तो हमको साइज को बार बार छोटा बड़ा करना पड़ेगा। लो ओपन इतना बड़ा आ गया ना, इसको लाया और इसको ऐसे छोटा किया, ये थोड़ा ड्रॉप है। अब यहाँ पे ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट अगला जो ऑप्शन हुआ है रिसाइज, जैसे हम यहां से रिसाइज कर रहे हैं पिक्चर को बड़ा छोटा गिरा को, हम वो रिसाइज हम यहां से भी कर सकते हैं। कैसे, जिस पे क्लिक करेंगे वही पे काम करेगा। जैसे क्लिक किया और आ जाते हैं कहां पे रिसाइज पे, अगर बाहर क्लिक करते हैं और यहां पे आते हैं तो देखो दोनों ऑप्शन हाईलाइट नहीं, ना चेंज पिक्चर ना रिसाइज। क्यों ऐसा क्यों है बताइए, हाँ क्योंकि हमने सेलेक्ट नहीं किया है। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे दोनों ऑप्शन हाईलाइट हो गए, चेंज पिक्चर रिसाइज पिक्चर। तुमको करना क्या है, पिक्चर का साइज छोटा करना है या बड़ा करना है तो रिसाइज पे आ जाएंगे। अब रिसाइज पे आने के बाद देखो यहाँ पे पूछा भी जाता है कि हॉरिजेंटल कितना वर्टिकल कितना, चलो हॉरिजेंटली हम दो पॉइंट बढ़ा लेते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिक दोनों बढ़ रहा है। तो हम सोच रहे हैं हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ाएं, क्या वर्टिकल अपने हिसाब से हॉरिजेंटल अपने हिसाब से, तो क्या करेंगे लॉक को हटा देंगे और देखो इसको कर दिया 20, इसको कर दिया 10, ओके तो बीट ज्यादा हो गया, हाइट कम हो गया, दोनों बराबर चाहिए कोई दिक्कत नहीं। सेलेक्ट करिए और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से 20 ओके। हाँ क्या, हाँ यहाँ पे अनलॉक कर देंगे इसको, अब 20 आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब जब तक यहाँ पे यह क्लिक है तब तक एक पे चेंज करेंगे, देखो हम यहाँ पे चेंज किए 25 चेंज हुआ ना, लेकिन हम सोच रहे नहीं अनलॉक कर दे तो इस पे चेंज करो क्यों इसी पे चेंज होगा, इस पे चेंज करो क्यों इसी पे चेंज, ओके ठीक है बाबू। तो जिसको दिक्कत हो गया यहां से छोटा बड़ा करने में
ठीक है, तो आप यहां से रिसर्च कर लीजिएगा। ये तीनों ऑप्शन क्लियर है? हाँ जी, क्या कर रहे हैं? हाँ हो जाएगा, जैसे कंट्रोल यहाँ पे बता दे रहे हैं इसको, इसके लिए हाँ आपको क्लिक करना होगा थोड़ा सा, जैसे सपोज आते क्रोम पे, लेकिन उतना बेटर तरीका नहीं होता है। मान लो इनके फीचर फिर से को लाना है तो डाउनलोड किए रहते तो सबसे बेटर रहता है। चलिए इसी को लाते हैं और इसको कॉपी करते हैं, राइट क्लिक कॉपी इमेज और ये पे लाके पेस्ट कर देते। नहीं इसमें आसन वासन नहीं दिए हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। इसमें एडिटिंग नहीं दिया, एडिटिंग दिया है मैं फोर्ड, ठीक है ना। उसमें जब फोटो हम पढ़ाएंगे तो आपको पासपोर्ट साइज फोटो बनाना भी पता है। ये क्लियर है ना आपको, कैसे होगा कैसे नहीं होगा तो इसका प्रयोग करके देखिएगा, कोई दिक्कत हो बताइए। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है वह है पेंट ड्रॉइंग। तो पेंट ड्रॉइंग के लिए मैंने शॉर्ट कट की पढ़ाया था आपको, क्या पेंट ड्रॉइंग के लिए मैंने शॉर्ट कट की पढ़ाया था आपको, कंट्रोल डी याद है। अब देखिए अब इसमें दिया क्यों है, जो पेंट ड्रॉइंग ऑप्शन है वो दिया क्यों है। तो जैसे अगर मान लो सोच रहे वर्ड पैड पे कुछ डिजाइनिंग बनाए, वर्ड पैड पे समझना, वर्ड पैड पे कुछ डिजाइनिंग बनाए, तो हम आसानी तरीके से वर्ड पैड में कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि जिसके सारे हम डिजाइनिंग इंसर्ट कर सकते और डिजाइन बना सकते। तो यहाँ पे दे रहा है इंसर्ट, मतलब यहाँ पे इंसर्ट का मतलब ये रखना, मतलब किसी भी चीज को लाके चिपकाना। तो जैसे हमारा पेंट ड्राइंग है एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सारे हम पेंटिंग तो बनाएंगे एमएस पेंट पे, लेकिन आएगा कहाँ पे, इसी पेज पे। मीन्स बनाएंगे हम लोग सॉफ्टवेयर दूसरे पे, लेकिन इंसर्ट करा सकते हैं इस पे। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते पेंट ड्राइंग का। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्लिक कर देते ओके, और थोड़ा सा इसको साइज को क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। और बड़ा करने में मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ, सेलेक्ट ओके, फिर से यहाँ पे रेक्टेंगल ले लिया, इसको लाके यहां मूव करा दिया। सपोज मान लीजिए हम बनाना चाहते कुछ ऐसा ही, और हम कलर कर दी इसका, कलर दूसरा ले लेते हैं, और आउटलाइन का कलर थोड़ा मतलब अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से करेंगे। तो थोड़ा हम बाहर क्लिक करते हैं और अंडू, और इसके अंदर हमको कलर करना कुछ अलग और बाहर कलर करना अलग ओके। सपोज मैं यहां से कुछ ऐसा करना चाहता हूं, अब करूंगा क्या, अब जैसे यहां पे करूंगा मिनिमाइज, तो देखो जो हमने बनाया अभी यहां पे देखो इंसर्ट हुआ है, बोलो यहां पे भी ये इंसर्ट हो गया। अब थोड़ा ऊपर नीचे लेके आना पड़ेगा, थोड़ा छोटा बड़ा करना पड़ेगा, आ रहा है ना। अब ये लाइनिंग ऐसे आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, जब इसको क्लोज करेंगे ठीक है, इसको क्लोज करेंगे तो हमारा इंसर्ट हो जाएगा सही से, क्लोज कर देंगे उसको बनाने के बाद। जैसे देखो एक अच्छे से बना ही दे रहा हूं, आता हूं इसको डिलीट करता हूं, डिलीट करने के बाद आएंगे क्या पे, पेंट ड्रॉइंग, और जो भी बनाना है आप करोगे क्या, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ ऐसा डिजाइनिंग करने है तो आ जाते हैं यहाँ पे क्लिक किया, और सपोज मैंने यहां से ड्रॉ कर दिया, क्लियर है, और इसको ड्रॉ करके अपने रिक्वायरमेंट के बनाना जैसा चाहिए, क्लिक कर दिया, फिर हम एक रेक्टेंगल लेंगे और कुछ ऐसे ड्रॉ कर दिए, अब बना ही दे रहे हैं आप। अब लाइनिंग खींचना है तो इसको शिफ्ट के साथ लाइनिंग ड्रॉ कर दिया, और फिर से लाइनिंग ले लिया और शिफ्ट के साथ ऐसे लाइन बना दिया। थोड़ा सा इसका कर्सर मूव करा देंगे कुछ ऐसा, जहां पर रखना है थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, और बस अभी मुझे नहीं चाहिए वाला हिस्सा, इरेजर लेके तो इरेजर को बड़ा कर लेंगे और इसको मैं यहां से हटा दें ओके। सपोज हम लाइन कुछ और इंसर्ट करना है, ऐसे लाइन इंसर्ट किया, अब इसको हम सोच रहे उस पे आ जाए, किस पे, वर्ड पैड पे, डिस्क्लिक करेंगे क्या, देखो मिनिमाइज करेंगे तो कुछ ऐसा बना हुआ है, तो पहले सेलेक्ट करते हैं थोड़ा साइज को छोटा बड़ा करते हैं, आ गए यहाँ पे, अब कुछ ऐसा दिख रहा है, क्यों दिख रहा है ऐसा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर प्रेजेंट टाइम में खुला हुआ है ठीक है ना। अब हम कर देते हैं इसको क्लोज, मतलब काम करेंगे सब उस पे, इंसर्ट होगा इस पे, मतलब इंसर्ट का मतलब यह है
कि अगर आप चाहते हो पेंटिंग करके कुछ किसी पेज पे दिखाना, तो ऐसा संभव ही नहीं है कि वर्ड पैड से किया जा सके। ऐसा संभव किससे? पेंट से। तो हम इस यहीं से पेंट पे चले जा रहे हैं और पेंट पे काम कर रहे हैं, लेकिन इंसर्ट किस पे हो रहा है? जी क्लियर है ना? तो उस कंडीशन में किसका इस्तेमाल करते हैं? पेंट ड्रॉइंग। क्लियर है? तो आप जैसे डिजाइनिंग बनाओगे, तो अगर केवल डिजाइनिंग बनाना तो इसका प्रयोग मत करना। किसका? इसका। क्योंकि हम लोग आराम से एमएस पेंट को ओपन करके उस पर डिजाइनिंग बनाएंगे, लेकिन कभी जरूरत पड़ जाता है कुछ हमको समझाना है बताना है, तो वहां पे जाहिर सी बात है क्या करना पड़ेगा, ड्रॉइंग बनाना पड़ेगा। लेकिन इससे भी अच्छे बनाया जा सकते हैं अगले सॉफ्टवेयर पे, लेकिन जो बेसिक हम पढ़ा रहे हैं तो पहले समझिए सुनिए देखिए कैसे इस्तेमाल होता है। ये दोनों ऑप्शन क्लियर है? yes, चलिए नेक्स्ट अगला ऑप्शन है डेट एंड टाइम। अब देखो जैसे हमने नोटपैड में पढ़ाया था डेट एंड टाइम के लिए शॉर्टकट क्या होता है? F5। अब ऐसा मत सोचना है यहाँ पे भी हम F5 बटन दबा देंगे तो डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाएगा। मीन्स अगर आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, सपोज मैं यही बनाया हूँ इतना मेहनत करके पिक्चर ये सारा, और मैं सोच रहा हूँ लास्ट में आज का डेट मेंशन कर दूं या किस टाइम पे कंप्लीट किया यह मेंशन कर दूं। एक तो तरीका है नॉर्मल हमको टाइप करना पड़ता है, लिखना है क्या है तो 5/8/2022 ऐसे टाइप करना होगा। टाइम क्या हो रहा है? 11:38। कुछ ऐसा आपको बनाना पड़ेगा। तो हम सोच रहे हैं एक बार हम इंसर्ट करा लें तो बस हम करेंगे क्या, यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं क्या डेट, और थोड़ा जगह लेके और यहां कर देते हैं टाइम, और हमको इंसर्ट करना है तो हम डेट के नीचे आते हैं और आ जाते हैं उसके बाद करेंगे क्या डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे। तो देखो डेट एंड टाइम पे जैसे क्लिक करते हैं तो बहुत सारे फॉर्मेट दिए गए हैं। अब डेट एंड टाइम किस हिसाब से इंसर्ट करना है आपको, अब जो डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें ले सकते हो। फॉर्मेट कैसा चाहिए? देखो 8/5/22 दिखा रहा है, 8/5/22 दिखा रहा है, ऐसे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हो। तो लेना चाहते हैं डे भी आए मंथ भी आए ये सारा आ जाए और एक एक करके दिखाए, ओके कर दिए। देखो ऐसे आ गया। थोड़ा हम इसको और जगह दे देते हैं और यहाँ पे हमको टाइमिंग डालना है तो क्लिक करते हैं, थोड़ा सा स्पेस देते हैं और यहाँ पे हम टाइम इंसर्ट कराना चाहते हैं तो हम टाइम पे क्लिक करेंगे। और कैसा चाहिए टाइमिंग? सेकेंड भी दिखाना है एम ऐसे करके कि नॉर्मल? तो बोला पूरा दिखाइए, ओके। यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में टाइम क्या हो रहा था? अब इसका जो साइज है क्या है 22, इसका भी साइज कर देते हैं 22। थोड़ा सा हमने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना लिया। अब ये इसको स्पेस बटन दबा क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। क्लियर है बाबू? तो उस कंडीशन में मेंशन कई लोग डेट क्या करते हैं ऊपर भी मेंशन करते हैं किस डेट को और किस टाइम पे हमने काम करना स्टार्ट किया था। तो आपके ऊपर है जहां पर लाओगे कर्सर जहां पर रहेगा वही पे डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाएगा। देखो कर्सर मेरा यहाँ पे है, यहाँ पे है कर्सर, तो बस यहाँ क्लिक सेलेक्ट यही पे डेट एंड टाइम, मतलब यह पिक्चर इस डेट को इंसर्ट कराया था, यह पिक्चर इस डेट को और इस टाइम को, टाइम यह था बस। जहां पे हमारा कर्सर है वहीं पे हमारा डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाए। क्लियर है ना? yes। तो जहां पे ऐसा मेंशन करना है तो आप वो करके देखिए, कोई दिक्कत हो बताइए। नेक्स्ट चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग जानने वाले इंसर्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। इंसर्ट जो ऑब्जेक्ट होता है इसका प्रयोग हम उस समय करते हैं जब प्रेजेंट टाइम में जिस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे और कुछ ऐसे आपको वर्क करने हैं जो इस सॉफ्टवेयर से नहीं हो पा रहा है, अदर किसी सॉफ्टवेयर से आसानी तरीके से हम लोग कर ले जाएंगे, तो उसके लिए किसी अदर सॉफ्टवेयर पे काम करके और इस पेज पे अगर उसको इंसर्ट करना हो तो उसके लिए हम लोग इंसर्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको टेबल बनाना है तो हम चाहेंगे तो एमएस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं या एमएस एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जंप करके तुरंत एक्सेल पे जाना चाहते हैं या वर्ड पे जाना चाहते हैं तो हम क्लिक करेंगे इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे। अब जैसे इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर देखो पूछा जाता है कि यहाँ पे जो आपका बहुत सारा सॉफ्टवेयर है आप इसमें से किसका प्रयोग करोगे, वर्ड पैड? तो अभी तो इसी पे काम कर रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे ओपन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मीन्स नोट पैड खुल जाएगा, किस पे भी नहीं काम करना है, उससे अच्छा तो काम इस पे हो जा रहा है। हमको काम करना क्या है एमएस वर्ड पे। फॉर एग्जाम्पल तो हम आएंगे कहाँ पे, नीचे आएंगे तो कहीं दिखेगा एमएस वर्ड, नीचे आते हैं
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहीं ना कहीं दिखेगा, दिख रहा है देखो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिख रहा आपको, कर देंगे ओके। जैसे ओके करेंगे देखिए माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे वर्ड आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इंसर्ट पे आते हैं, टेबल हमको बनाना, सपोज हम यहां से क्या करेंगे इसे टेबल बना लिया, और टेबल उन्होंने क्या किया यहाँ पे दे दिया सीरियल नंबर, समझना सीरियल नंबर यहाँ पे, स्टूडेंट नेम यहाँ पे, कोर्स यहाँ पे, फी यहाँ पे, पैट और यहाँ पे डी हो, ओके। सपोज मान लो यहाँ पे ला दिया, अब बाहर करते हैं क्लिक, देखो यहाँ पे इंसर्ट हुआ है, आपको उत्तर दिख ही नहीं रहा हमको, देखो दिख रहा है, बाहर क्लिक करते थे ऐसे ऐसे आ रहा है, करेंगे क्या इसको हम ला के इसको क्लोज आगे, इसको ला के थोड़ा छोटा कर देंगे, ये थोड़ा सा जगह अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर लेंगे, हो जाएगा ना। लेकिन ये सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है, तो आगे जब मैं पढ़ा दूंगा तो फिर से बैक आना इस्तेमाल कर लो, वो पेज के ऊपर है, वो पेज एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा इसलिए नहीं लेके आ रहा है वो, ठीक है ना, वो अलग है, यहाँ पे पॉइंट जितना लिखा उतना आ रहा है, यहाँ पे इस पे भी लिख देगी तो भी आ जाएगा, हाँ उस पर अगर लिखना है तो आएगा, इसके लिए फिर से उसको ओपन करना पड़ा, दो बार क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा, इस पे भी कुछ बना लो, ठीक है ना, तो कुछ भी लिख दोगे हेडिंग ना तो इंसर्ट हो जाएगा, जगह मिल जाएगा उसको, और थोड़ा जगह दे देते आ गया। अब कर देंगे इसको क्लोज, ओके। तो लेकिन काम जो करेंगे किस पे करेंगे, दो बार क्लिक कर फिर से उसी सॉफ्टवेयर पे करना, मतलब सारा वर्क यहीं पे करेंगे, ऐसा नहीं कि ऐप क्लिक कर लेंगे काम कर लेंगे। सेम ऐसे मान लो अदर कोई सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, एक और डिलीट करते हैं, और पावर पॉइंट होता है क्लिक करते हैं, और यहीं पे है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कर क्या रहा है, क्लिक ओके। अब देखो पावर पॉइंट में बहुत सारे डिजाइनिंग मिलेंगे आपको, तो मान जाते हैं डिजाइन पे, तो इतने सारे डिजाइनिंग है, ऐसा डिजाइनिंग हम बना ही नहीं सकते, ठीक है ना, कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं, आगे सब हम पढ़ाएंगे, बस हम क्या करते हैं मिनिमाइज आगे यहाँ पे बार क्लिक ऐसे आ रहा है, इसको कर देंगे क्लोज, देखो उस समय आया, तो उस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट, जब किसी बाहर सॉफ्टवेयर को लाके ओपन करके उस डाटा को इंसर्ट करना हो, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगले ऑप्शन के बारे में आते हैं। अगला जो है इसमें किसी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है पूछ सकता है। चलो अगला ऑप्शन है फाइन, तो फाइन को हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार और चर्चा करते हैं फाइन का मतलब होता क्या। देखो फाइन का मतलब यही है कि जब आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किए हो और उसमें से किसी पार्टिकुलर वर्ड को सर्च करना, खोजना है कि वो कहां कहां पे लिखा गया, उस कंडीशन में हम लोग फाइन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आ जाते हैं कहां पे, और यहां पे आने पर सपोज हम यहीं से इतना लेके सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके, और लाके हम क्या करते हैं यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और हमको चेक करना है कि मीटिंग कहां पे लिखा गया, क्या मीटिंग कहां पे लिखा गया है, तो हमने सपोज कई बार लिख दिया है, थोड़ा पेस्ट करते हैं कंट्रोल भी 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 भी, क्लियर है। अब आएंगे यहां पे, और आने के बाद से हम करेंगे फाइंड, अब जैसे हम फाइंड पे क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन आएगा फाइंड वन, तो हम करते क्या है यहां पे आए, और आने के बाद हमने कर दिया मीटिंग, और मीटिंग करने बाद कर दिया यहां पे फाइंड नेक्स्ट, देखो आ गया फाइंड मीटिंग फाइंड नेक्स्ट, जहां जहां मीटिंग हुआ सारा आ गया, इसके बाद नहीं है नहीं आ रहा, क्लियर है ना, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसे जंप करके जा सकते हो, हाँ इसमें अप डाउन करने का कोई मतलब नहीं है, अपने आप समझ लेता है, क्लियर है ना, उस कंडीशन में लोग क्या करते हैं फाइंड का इस्तेमाल करते हैं। वही मैंने बताया था आपको, मैच होल्ड यहाँ पे मैच होल वर्ड ओनली कर दोगे तो, अगर मान लो होता क्या है मीटिंग, यहाँ पे इसको समझाने के लिए कई जगह और लिखना पड़ेगा आपको,
चलो लिख के दिखा रहा हूं। सपोज हमने यहाँ पे जब स्टार्टिंग किया तो लिख दिया यम आई, वो वर्ड जहां जहां मिलेगा ना उसको सर्च करने लगे, जैसे मीटिंग इसी में है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ और फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो ऐसे मीटिंग आ गया, फिर से फाइंड नेक्स्ट कर दिया मीटिंग आ गया, फिर से फाइंड नेक्स्ट कर दिया मीटिंग आ गया, फिर से फाइंड नेक्स्ट मीटिंग आ गया। इन मीटिंग एक और जगह लिखा हमने, तो हम सोच रहे कहीं पे भी योग खोज के बता दो, ठीक है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के ऊपर यहाँ पे चेक करके और देखो यहाँ से मैच केस भी करके चेक किया जा सकता है कहाँ कहाँ पे है मीटिंग्स, ठीक है। मैच केस हमारा है होल वर्ल्ड मिलेगा, वो भी आएगा, डाउन ऑप्शन दे नहीं रहा है। चलो बाहर क्लिक करते हैं, इस बार सर्च करते हैं मैच होल्ड वर्ल्ड, केवल वह मैच करके दिखाएगा पार्टिकुलर, मैच करके पार्टिकुलर बता रहा है। और हम चेक करके मैच केस कर दें और तब यहाँ पे अप्लाई करें। रुको रुको यार, नहीं स्पेस तो मतलब ही नहीं रहेगा, सर्च नहीं कर रहा है। रुको, अगला जो हमारा ऑप्शन हुआ है रिप्लेस। ओके, तो रिप्लेस का मतलब सिंपल है कि अगर मान लो किसी पार्टिकुलर वर्ड को आपको चेंज करना है, ठीक है, सपोज जहां जहां मीटिंग लिखा है वहां पर कर दे मीट या गूगल मीटिंग, इसके लिए करेंगे क्या रिप्लेस पे क्लिक, और जहां जहां मीटिंग लिखा हुआ है वहां पर हमको करना है गूगल मीटिंग, हाँ चेंज करना है मीटिंग। ओके, मैच के समय हटा देते और कर देते क्या पे रिप्लेस आल, आप इस समय भी सेम वही यूज है उसका, तो रिप्लेस आल कर देते जहां जहां पे मीटिंग लिखा होगा वहां पे गूगल मीटिंग चेंज हो जाएगा रिप्लेस। ओके क्लोज, देखिए गूगल मीटिंग, गूगल मीटिंग, लो गूगल मीटिंग, जहां जहां होगा वहां गूगल मीटिंग हो जाएगा, क्लियर है ना। देखो यहाँ पे गूगल मीटिंग हो गए, तो आप अपने हिसाब से अगर किसी पार्टिकुलर वर्ड को एक बार में चेंज करना चाहते हो जिसके लिए आप लोग रिप्लेस ऑप्शन का इस्तेमाल करना, चेंज कर लेना। चलो अब गूगल मीटिंग जो लिखा है उसको हमको चेंज करना है केवल मीटिंग। ओके, कर देते रिप्लेस ऑल, चेंज हो गया, हो जाएगा जी, कर लोगे। और लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट आर, मतलब पूरे डाटा को एक बार सेलेक्ट करना है तो क्या करते हैं, ऐसे करके सेलेक्ट करते हैं, या आपको सेलेक्ट ऑल कर दो यहां से, या आप कंट्रोल प्लस ए दबाओ तो भी पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आज इन सारे ऑप्शनों का यूज करके देखिए, इसमें से किसी ऑप्शन में कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछिए, बता दे रहा है। कोई डाउट है किसी ऑप्शन में कहीं पे जब क्लिक किए हैं समझाए बताए हैं वो बताइए, मैं बता रहा हूं। क्या बाबू, अच्छा लाइनिंग नंबरिंग तो मैं पढ़ाया तो, अच्छा यही ऑप्शन में छोड़ा था। चलो लाइन नंबरिंग अगर देना है तो सेलेक्ट करेंगे देखो, और यहाँ पे आने के बाद अगर पैराग्राफ वाले डाटा बनाए तो पैराग्राफ का नंबरिंग आ जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 आया ऑटोमेटिक। चलो अगर हम कई तो लाइन लिखे हो, सपोज ये पैराग्राफ नहीं है, हम कर देते हैं नॉन, और ये लाइनिंग हमने कई तो तोड़ देते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। ओके, ऐसे लाइनिंग कर रहे हो ना, तुम सेलेक्ट किए और आ जाते हैं नंबरिंग, ऑटोमेटिक नंबर लग जाए, लग जाएगा। चलो ऐसे क्वेश्चन बनाते समय लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं, कंट्रोल एन करते हैं। चलो यहाँ पे जैसे सपोज मान लो लिख देती है फुल फॉर सीपीयू। ओके, और यहाँ पे हमने आने के बाद से अगर मान लो हम यहाँ पे आ जाते हैं और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, सपोज इसको थोड़ा बंद करते हैं, इसको समझा दिया जितना समझाना था,